पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। वालेकुम, सुबह खैर, आदाब। तुह सारे वन वालन दोस्तन हुंद वस वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के अंदर। तिम दोस्त यम जन विनकेनस पन्ने टीवी स्क्रीनन हिंद जरिए अस वुछान आसन, तिम यम जन पन्ने स्मार्ट फोनन हिंद जरिए अस विनकेन वुछान आसन, तिम यम जन गोड़ पेठे सानी यमी फैमिली हुंद अख हिस्स छु, तो तिम यम जन नवी नवी यथ फैमिली मज आए, तुई सारी छु ये जानित जे अस छु तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पेठे 9 बजन ताम। हफ्तस छ 7 दो तो सतवनी दोहन छ अस ये कोशिश करान के अस वातो हर दो तोह ताम, हर दो वातनाओ तुहंद मन पसंद प्रोग्राम तोह ताम, यमे डीडी कशिर यूजन ये बोड प्लेटफॉर्म अस दस्तियाब छु यमे प्लेटफॉर्म के जरिए। आज छ जनवरी रेतच बहिम तारीख तो दोह छ बुधवार हुंद। आज त प्रोग्रामक नो शुमार हेत अस मेजबान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर। नाज़िम मोहतरम, यम सात अस स्मार्ट फोन हिंस कात छ करान, इथ कन जन बुनी अर्ज अस करान कि स्मार्ट फोन हिंद जरिए ती छु तु यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रोग्राम वुछान, तो लाइव चैट के जरिए जन मज ऑप्शन आसान छु अमे जरिए छु तु अस सत रबित करान पनिन आरा हो तजवीज अस तमाम वातनावान प्रोग्राम क्युत छु तय बासान, अमे हवाल ते छु तु अस लेखान लॉकट से लॉकट डिटेल माइन्यूट यूज जन तु वुछान छु ना पनि अतत गर बिहती छु तु ये सोरी के हेका वच रात ओस ठीक है कि अस ना प्रोग्रामस मज कमेंट परान हालांकि अस बाजे वक्त मिलान के कि तिमन दोस्तन हिंद नाव ते करो प्रोग्रामस मज शामिल, मगर तिम कमेंट छे सारी परान। तो एक दोस्तन उस लेखमुत के इकरा जी छे गर लागन वरई आमस, तो ये लॉकट यूजन आख ऑब्जर्वेशन अस, तो मे पे सुबह याद कि कम तम दोस्तन उस ना कमेंट कोरमुत ये गर अस रात गमस मस्जिद अस ते क्या करो सुबह यम साते जल जल नेरन छ पा वारे चीज छ ना मस्जिद गसा, तो आज तुझ मे सारी खुद गडनेत दप ना मे पाजे गर लागन, क्योंकि जो नाजरीन है वो ये माइन्यूट से माइन्यूट जो ऑब्जर्वेशन है उनकी रहती है और वो प्रोग्राम में अपनी आरोह तजवीज से वो हम तक पहुंचाते रहते। खैर नाज़िम मोहतरम, अस सारी जानान कि स्मार्ट फोनन हिंद पन फवायद अत पन नुकसानात, बड़को लॉकट अमिक इस्तेमाल करान, तो ज्यादातर अस अगर विनकेनस वो इंटरनेट के जरिए यूज सोशल मीडियुक इस्तेमाल करान, सोशल मीडियो के ये कैसा कंटेंट वातान ये कैसा वीडियोस आसान ते कंज्यूम करान ते वान कह वीडियो त्यूत आसान यूज बड़ वायरल गसान यूज ट्रेंडिंग आसान हाल हाल तक वीडियो वोचमुत बड़ खुशवन वीडियो उस यख लॉकट कूर लॉकट रिपोर्टर बनित ये रिपोर्टिंग करान पन्ने इलाक यो जन खस्त सड़क सो हावान कि वो सा सड़क यहां पे रूद यहां सो पे शीन तो यह ना वन पकन लायक कह, हालांकि मुमकिन कि यह तम शौकन यह वीडियो बनोमुत शौके तौर आ तम यह वीडियो बनोमुत, मगर अत पत यो जन मैसेज वर्च अ सारे तम तो उम्मीद करान कि सो मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तम तो जरूर वर्चमें या पत्मे वरी सो वायरल वीडियो वायरल कंटेंट आई जरूर वोचमुत यम लॉकट कूर प्राइम मिनिस्टर्स बड़ खूबसूरत बड़ इनोसेंसान क्यूटली सो ये करान एड्रेस करान दरख्वास्त करान ये वनान कि ऑनलाइन एजुकेशन यो जन ये मोड छु अम जरिए कम मुश्किलात छ लॉकटन बचन होम वर्क कर्ता ज्यादा छ लॉकटन बचन पेवान करें, तो सो यो जन सो मैटर छु सो आतेती रिजॉल्व करने सो आतेती एड्रेस करने, तो ये थे इस छ नाज़िम मोहतरम अम कथ छु अस यही अंदाज गथान कि यो जन इंटरनेट छु चाहे स्मार्टफोन छु अत कर्ता बड़ ताकत छ यो कूता
بوڑ اوزار چھ یہ کوتا بوڑ ہتھیار چھ ونکینس سانین اتھن منز مگر ات سچ ناظرین محترم اس پزی یہ کتھ تہ ذہنس منز ضرور تھاوین آیا یم زن سن فون سمارٹ فون یہ پز کت ونکینس کووڈ 19 وبائی صورتحال یت ست ون تہ مقابلہ جاری امہ ذریعہ کیا وچان آف لائن ایجوکیشن چھ ونکینس پاسبل گھان آن لائن موڈ کہ ذریعہ ونکینس بچہ گھر بہت ایجوکیشن حاصل کران تو پتمہ وری آئی کیسز تم تہ بروہ کن یت مزہ وچ کہ بچن ہند اچھ ام سی زیادہ خراب گمت متاثر گمت اچھن یم زن بیمار تم تکالیف زیادہ والے مت تو پتہ کور یہ ایڈوائز تمہن کہ امن سٹرکٹلی فون کوتاہ سکرین ٹائم کوتاہ گھس آن اکس بچہ سند باپت تو ناظرین محترم یہ اچھا سوچان کہ سائیکولوجیکلی یہ کیسا کنٹینٹ تم کنزیوم کران ام سی تمہن ذہنی دباؤ گھان یا ذہنی طور ما آن تم متاثر گھان منفی اثرات ما آن پہ مرتب گھان یہ زان سوچان اخ سروے منعقد گئی اخ سروے زاس وہ مز فارنس مز اکس جائے تر مز آؤ یہ وچنہ کہ لاکٹ بچہ یہ کیسا کنٹینٹ تم کنزیوم کران یہ کیسا تم ویڈیو وچان آخرس پہ آو یہ وچنہ اکہ وری پتہ آو یہ وچنہ زم ڈپریشن اینزائٹی ایگریشن وائلنس امک شکار گمت تو یم ایلیمنٹس آئی تمہن مزم تکالیف آئی تمہن مز لبن ام سی ناظرین محترم اس سارے پہ اس پہ ات پہ غور کر ات پہ پہ سارے سوچن تاز کہ یہ لکٹ بچہ زن نوجوان یہ سان قوم مستقبل اس ما یژھو کہ سان قوم زن مستقبل یہ گوس ات کن ہائے تو ضائع گھن ات پہ پہ ناظرین محترم سارے سوچن اس کت تھو پروگرامس مز بتھ جاری تو امہ علاوہ تہ موسم تو ٹریفکچ حوالہ ضروری معلومات تہ واتن تمیک تہ اہتمام تھومت پروگرام کس آغازس مز مگر تمہ برو ازکس پروگرامس مز شرفی میزبانی اس حاصل بہ روز تہ میزبان اقرا آخون تو مے ست روزن از گوڈنکی پھر یم زن گوڈنکی پھر یمہ پروگرامک اخ حصہ بنن معروفہ یم چھ گوڈنچ لٹ پروگرام ہوسٹ کران معروفہ تہد استقبال پروگرام شکریہ اقرا السلام علیکم ناظرین آداب خوش آمدید استقبال یہ امید تو آج کے وچن ول سی ناظرین آسن خوش تو خوشحال اللہ تعالیس منگو یہ دعا زس تھوین اس سارنی صحت و سلامت خوش تو خوشحال سکون قلب کرن عطا تو ستی منگوس یہ دعا تہ زن کرن اس پہ رحم سنس حالس پہ کرن رحم تو کووڈ کے وبا نش دین اس نجات آمین سم آمین ناظرین آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے کہ موسم کے حوالے سے اور ٹریفک کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو موسم کا حال محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آج جو مطلع ہے بالکل صاف رہے گا بات کی جائے درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 7 ڈگری سیلسیس اور جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے ناظرین اگر ٹریفک کے متعلق آپ کو اپڈیٹ دے تو محکمہ ٹریفک جو ہے ان کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ آج جو ہے جموں سے سری نگر چھوٹی گاڑیوں کو اجازت ہوگی تاہم جب صبح ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ بتانا تھا کہ فی الحال جو ہے ٹریفک کی نقل و حرکت پر روک لگا دی گئی ہے آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو ہماری ٹی وی سکرین پہ نمبرات جو ہے وہ فلیش ہو رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور مزید تفصیلات لیجئے جی کرا بہت بہت شکریہ معروفہ یہاں پہلی پروگرام میں پہلی دفعہ جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اب تو آپ ہماری گڈ مارننگ جین کی فیملی کا ایک حصہ بن جی ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح سے ناظرین ہمیں پیار و محبت سے نوازتے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی پیار و محبت دیں بالکل بہت بہت شکریہ موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اور ناظرین محترم آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ پروگرام میں جو ہم آپ تک پہلی سوغات پہنچاتے ہیں موسیقی کی خوبصورت سی شکل میں آج بھی ہم نے اس کا اہتمام رکھا ہے کشمیری زبان کا ہی انتخاب ہے اور جہاں تک آواز کا تعلق ہے ایک منفرد آواز دلکش آواز شازیہ بشیر جی کی آئیے یہ خوبصورت سا نغمہ انجوائے کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں
گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہ واش سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا عمار کا کوالٹی ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال وقفے سے قبل آپ نے خوبصورت سا نغمہ سنا شازیہ بشیر کی خوبصورت آواز میں جو فلمایا گیا تھا ماڈل سنم پہ اسی ڈی ڈی کے اسٹوڈیو میں ہی یہ شوٹ کیا گیا تھا ہمیں امید ہے کہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خوبصورت سا نغمہ ضرور انجوائے کیا ہوگا خیر ناظرین محترم چونکہ ہر ایک دن کی خاص اہمیت ہوتی ہے اپنی افادیت ہوتی ہے اور آج 12 جنوری ہے 12 جنوری کو ہر سال قومی سطح پر ایک خاص دن منایا جاتا ہے 1984 سے 12 جنوری کو قومی سطح پر نوجوانوں کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے یہ دن دراصل ہندوستان کی عظیم شخصیت سوامی ویویکانندا جی
उनकी यौम पैदाइश के दिन के तौर पे दरअसल इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी स्पीच से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने कंडक्ट से कई सारे नौजवानों को मुतासर किया, उन्हें मुतहरिक किया। और इस दिन को मनाने का खास मुद्दा और मकसद यही है कि नौजवान जो हमारी कौम का सासा है, इन्हें अपनी अहमियत से बाखबर किया जाए, इनको, इनके जहन में ये बात किसी तरह से आ जाए कि नौजवान कौम के लिए, मुल्क के लिए कितना बड़ा असासा है, इनकी कौम को कितनी ज़रूरत है, मुल्क को इनकी कितनी ज़रूरत है। और चूंकि कौमी सतह पर कोई दिन मनाया जाए या बैन अक्वामी सतह पर कोई दिन मनाया जाए, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि इस दिन को हम भी यहाँ स्टूडियो में मनाएं, इस दिन को हम भी यहाँ स्टूडियो में ऑब्जर्व करें। तो आज हम कैसे पीछे रह सकते हैं, आज भी हमने अपने जहनों में यही रखा था पहले से कि इस दिन को हम आज यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। और इस दिन को मनाने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में ऐसी मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो यंग है, टैलेंटेड है, डायनामिक है। अभी एक जिम्मेदारी उन पर आयद है जिस डिपार्टमेंट में वो अभी तैनात है, बहसते स्टेट टैक्स ऑफिसर। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में इस डिपार्टमेंट के हवाले से, और जो वो जिम्मेदारी अभी निभा रहे हैं इस ताल्लुक से तो हम कम ही बात करेंगे, मुख्तसर ही इस ताल्लुक से बात होगी। ज्यादातर जो उनका अपना एक इनिशिएटिव है, नून चाय इनिशिएटिव के नाम से, उस ताल्लुक से बात होगी जहां पर वो नौजवानों के साथ इंटरेक्शन करते हैं या एग्जामिनेशन के हवाले से उनको आगाह करते हैं, तालीम फराहम करते हैं। तो उस ताल्लुक से ज्यादा हम इस प्रोग्राम के जरिए से उनसे बात करेंगे। ऐसी शख्सियत जिन्होंने केएस का एग्जाम 2013 में पास किया था और 6th रैंक हासिल की थी, मेरी मुराद है ताहिर मोहियुद्दीन वानी से, स्टेट टैक्स ऑफिसर एनफोर्समेंट सेंट्रल कश्मीर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। थैंक यू इकरा जी, हमें बहुत बेहद खुशी है कि आप यहाँ प्रोग्राम में आज तशरीफ फरमा है। जिस तरह से मैं अर्ज कर रही थी कि नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है कौमी सतह पर, इस ताल्लुक से हम जरूर बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़ाती जिंदगी के हवाले से कि आप कहाँ से हैं, तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। जी इकरा जी, मेरा नाम ताहिर मोहियुद्दीन वानी है और मैं मत्सल, एक बैकवर्ड दूर दराज एरिया है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही हुई है। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल भी गया, सैनिक स्कूल मानसबल, और उसके बाद श्रीनगर में एसएसएम हायर सेकेंडरी स्कूल पर हिपुरा भगात, वहाँ से तालीम हासिल की है और 11th 12th मैंने टेंडल बिस्को शेख बाग से किया है। उसके बाद मैंने BBA देहरादून UIM कॉलेज से किया है और 2011 में जब मैं वापस आया तो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया JKS का, और पहले अटैम्प्ट में मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू में मैं ड्रॉप हुआ और सेकंड अटैम्प्ट मैंने क्वालिफाई किया। और जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं अभी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और इससे पहले एज BDO, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड अंडर सेक्रेटरी CM ग्रीवेंसल रह चुका हूँ। तो अभी जो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है नून चाय इनिशिएटिव, इसमें मैं इसी यही कोशिश रहती है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज, उसके लिए हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो है ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुँचाए। इतने कम टाइम में यू नो आपकी ज़्यादा ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर ना आपने बताया, इतना मुख्तसर सफ़र तो नहीं रहा होगा ना, ये मच्छल से यहाँ आना, यहाँ तालीम हासिल करना, जाहिर सी बात है स्ट्रगल तो आपको करना पड़ा होगा ना, उस ताल्लुक से ज़रा बताएं, क्योंकि आज जिस तरह से मैं कह रही थी, अर्ज कर रही थी कि आज नौजवानों का दिन है, हो सकता है आपकी लाइफ हम सबको इंस्पायर कर सके। इकरा जी देखिए, मेरा मानना है कि हर एक की ज़िंदगी में अपना एक स्ट्रगल रहता है, हर एक किताब में एक कहानी होती है, ऐसे समझ लीजिए हर एक इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। मेरा स्ट्रगल फंडामेंटली ये रहा है कि जो मेरा ज़्यादा बचपन गुजरा है वो फैमिली के साथ नहीं गुजर पाया बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़, एंड जो माइग्रेशन के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप घर से दूर रहते हैं, फिर कुछ चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। और एक्सपोजर के हवाले से भी मैं आपसे कहूँ कि जिस जगह, जिस सॉइल को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे इस तरह का एक फैमिली दिया है, इस तरह के पेरेंट्स दिए हैं कि मेरे मॉम डैड जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़्यादा सोचा। और जैसा मैं फील कर रहा था कि मुझे अपने मॉम डैड के साथ 24/7 होना चाहिए था, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने
किस तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजारी होगी कि इतनी दूर हमें भेजा और फिर हमें पढ़ाई करने के लिए जो भी उन्होंने खर्चे उठाए बाकी चीज़ें, तो माइग्रेशन के साथ साथ तो एक्सपोजर के हवाले से, फिर वहाँ से श्रीनगर आना और फिर श्रीनगर से देहरादून जाना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहा है। बट आई थिंक कि ये हर एक की जिंदगी में होता है, तो मेरे साथ कुछ अलग नहीं है, नहीं है। तो ये जिंदगी संघर्ष ही है, डिफिकल्टीज का ही नाम है। तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने हाल कुछ टाइम पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया था कि कम्फर्ट्स आर द रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो मुझे लगता है कि जब जिंदगी में आराम आ जाता है तो जिंदगी बेमानी हो जाती है, बिल्कुल। और इंसान जो है वो डिपेंडेंसी का शिकार होता है, तो आई कंसिडर कि हम वर्चुअली हैंडीकैप हो जाते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरी सिलेक्शन हुई है और तब से कुछ जिंदगी में आराम आ चुका है, और जब मैं कंपेयर करता हूँ अपनी उस जिंदगी से जब ये सब आराम नहीं था, तो मुझे लगता है कि तब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, और मुझे लगता है तब मैं डिपेंडेंट नहीं था। आज काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ। अच्छा जी, तो मैं ये जो स्ट्रगल है इसको ब्लेसिंग समझता हूँ, इसको एक रिसोर्स समझता हूँ। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल रहता है, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो क्योंकि उनके पास कुछ अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन रहता है। जी जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपके तालीमी पस मंजर को देखा जाए तो आपने बीबीए किया हुआ है जी, तो बीबीए से आप सिविल सर्विस की तरफ से कैसे मुतवज्जा हुए? देखिए, जो बीबीए है वो एक मतलब उसका एक फील्ड डिफरेंट है, और वो चॉइस जब मैंने की थी तो तब मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि बीबीए के बाद क्या करूं। तो लेकिन जब मैं बीबीए के फाइनल सेमेस्टर में था तो उस वक्त देहरादून में ही होटल सनराइज में, जो खान स्टडी ग्रुप दिल्ली में है, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है फॉर सिविल सर्विसेज, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था वहाँ पे, तो मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया था। तो उसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया, एंटाइटलमेंट्स के बारे में बताया। मैं यहाँ पे चलते आपको बताऊँ कि मैं हैरान हो जाता हूँ। अभी मेरी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से बात हो रही थी, बहुत ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, तो मैं उनसे कह रहा था कि आप इतने ब्राइट हैं तो आपने लाइफ में सिविल सर्विसेज का क्यों नहीं सोचा? बिकॉज अदरवाइज भी एक होता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन अपने करियर में ही आगे बढ़ते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बिकॉज ऑफ सेचुरेशन तो वो नहीं कर पाते हैं, अपने फील्ड में भी उतना एक्सेल नहीं कर पाते हैं, लेकिन शायद वो कुछ सिविल सर्विसेज या बाकी किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने टाइम पर मालूम भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे अप्रोच करना है, कैसे जाना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो आई वॉज लकी कि उस टाइम पे इस तरह का एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और मैंने वो अटेंड किया, और फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। हालांकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि MBA करूँगा, और मैंने सोचा था कि MBA किसी अच्छे ही कॉलेज से हो, IIM की कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर थोड़ा बहुत एम्पेरिकल एनालिसिस किया कि कितनी मेहनत करनी है और उसके बाद रिजल्ट क्या है और अपना पैशन किस तरफ है, फिर वापस आया और फिर यहाँ पे मेरे जीजू हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके लिए तैयारी कीजिए और एक बार अटेम्प्ट आप दे दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो फिर जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो एक अच्छा लगने लग गया, एक अक्रॉस डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। और फिर देते देते प्रिलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी, तो जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो काफ़ी फेवरेबल चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, तो वो होने लग गई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपना इंटरेस्ट भी बढ़ गया और लगा कि कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ आई लैंडेड हियर। बिल्कुल, जिस साथ त्रुहस मन यम साथ तो ही के एस क्वालिफाई करू एम साथ के आसे तो हंस बस उस टाइम 23-24 के आसपास। 23-24 जी तब उन वनी जे यम जत गर्निश फिर इंटरव्यू हकू न करत के हेना, यूजुअली ले जो चांस आक बच्चे कुन जाय छु ना काम गछन सु हिम्मत हारा, तो तो कित पर गबे नाइस सर मोटिवेट करन खतर, कित पर गबे तो तैयार वापसी करन खतर। मैं इतकन तो वन की यू शु टू करियर ऑप्शन की आत्म शुभा सा इंसान की अच्छे बारे असल एंटिटेंट। दुयम चीज ये केल में गर्निश लेट जुत प्रीलिम्स तो क्वालिफाई, मेंस तो क्वालिफाई, तो मैं बासो बे हकी कर तो बे वुम मतलब ये तुम वो ये एग्जाम में जनरली तुम एस्पिरेंट आसान या तुम क्वालिफाई करान गिश लट दें अच्छ मैक्सिमम सतह टू शीत पर्सेंट आसान तुम एस्पिरेंट्स आसान दुमस या त्रेमस अटैम्प्ट क्वालिफाई कर, तो मैं बासो यह नॉर्मल रूटीन मतलब गो गिश अटैम्प्ट कहें ओके दुमस मो बासो गिश लट कि
مے مز تو اس کی خامی کہ چیز چھ تم یم نے مے کنسیڈر کر کی یا یمن مے سیریسلی نیو نا کہ تو مے باسیو کہ سیکنڈ اٹم ڈیمو بے کرو اصل پٹ تیاری اینڈ الحمدللہ وسی ہند حوالہ پس مے او مخ سوال چھ نا اکثر یم سات گریجویشن کمپلیٹ چھ گسان تم پتہ چھ اس ذہنس مز آسان یہ فریم کرم اس کیا کرم ان ماسٹرز خطر گسوا ہائر ایجوکیشن خطر گسوا یا اس کرو سول سروس باپت پریپیئر تم باپت چھ اس پنس ذہنس مز نوشن تھوان کہ اتھ چھ ون وری واد پیوان دین اتھ چھ پیوان تیاری مز واریا وری دین تم پتہ چھ یو نو اس ہیکو تم پتہ یہ اٹمپٹ کر اتھ چھ زتر وری گوڑ دین تیاری خطر تو ہی یم سات یہ ذہنس مز آو کہ بکر سول سروس ٹائم شیڈول کیا اس روزان تہن کہ مے کٹ ٹائمس چھ پارن تکیاز کہ بیلنس کرن چھ بڑ ضروری آسان تو اگر دو کس دوہس اس سری تروش مے چھ باسان کہ باقی ایکٹیویٹیزن کن کیا اسے تہن زون اکرا جی وچھو یس یہ ایگزام چھ اچ چھ زتری اسپیکٹس اخ فنڈامنٹل اسپیکٹ چھ اتھ مزی کہ اچ چھ کنسسٹنسی ہم یہ چھن مطلب اکیڈمک ایگزام کہن کہ اس کر لاسٹ نائٹ فائٹ اتن اس مزی چھ سو چھ نی کہ اتھ مز چھ اخ کنسسٹنسی اچ اخ پراپر کیلنڈر تھاون وریو ات کیلنڈرس مجھ و کہ مے سبجیکٹس یمن یم کتاب مے پڑھ گو گوڈنیک آسپیکٹ دم چیز امک اپروچ اپروچ مثال کے طور پر اس اکیڈمکس مز پران تک پن اپروچ آسان تمک ایگزام پیٹرن ڈفرنٹ تمک کوشچن پرسان سہ الگ تک مجھ آنسرز لکھان سہ الگ تو یت مجھ اپروچ ڈفرنٹ کہ اتھ ڈفرنٹ اکراس ڈفرنٹ سبجیکٹس پتہ تک ٹائم لمٹ کم آسان بیس لکھنک طریق یت ونان آنسر رائٹنگ سہ پی رائٹ فرام دا بگننگ پی پریکٹس کریں مے وچ لٹ کہ یہ ایسپرنٹس نالج زیادہ مگر اپروچ صحیح کہین دیٹ از وائی کہ یہ ہاں بچہ زیادہ کوالیفائی کرت کہین تو یل مے سٹارٹ کور مے آو سمجھ کہ اتھ اپروچ اتھ یتیا سبجیکٹ پڑھن ات لگہ یوتا ٹائم لگہ تو تمہ حساب تھو مے پن کیلنڈر بنائت دہس مز کت گھنٹے سو دیوان اتھ کن اینڈ 7 to 8 hours از ریکوائرڈ کیاز کہ یت چھ واریا ڈائیورس سلیبس تو تریم چیز چھ اتھ مز امپورٹنٹ یہ کہ اتھ گژھ آسن باقاعدہ مینٹورشپ گائیڈنس گژھ ضروری آسن یمو یہ کوالیفائی چھ کورمت یا یم امک ایکسپرٹ چھ تمن نش گژھ گائیڈنس ضروری آسن تو میل گوڈنچ لٹ کور حالانکہ مے اتھ کن تہ گوڈنیتھی ون کہ کینہہ کمی پیشی روز کھانا تیوہ کمپونیٹ رود اس میں زیادہ اصل پہ پریپیئر کورمت کہین دیٹ از وائی گو نو گوڈنچ لٹ کہین یل مے سیکنڈ ٹائم پریپیئر کور تک مز مثال کے طور پر دم تو ایگزامپل کرنٹ افیئرس اخ امپارٹنٹ پارٹ اتھ مز یل مے گوڈنیک اٹمپٹ دیت مے اس نے کرنٹ افیئرس تیوتا پریپیئر کورمت کہین یل مے سیکنڈ اٹمپٹ دیت مے کور فنڈامنٹلی تک پہ زیادہ فوکس جی دیٹ مینس مطلب فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے محنت اور کوشش تو جاری رکھنی ہے پہلی اٹمپٹ میں نہیں ہوا تو دوسرا اٹمپٹ ہے دوسرے اٹمپٹ میں نہیں ہوا تیسرا اٹمپٹ تو ہے ہمارے پاس لیکن کوشش اور محنت جاری رکھنی ہے آپ بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے آپ پہ آپ سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہے اپنے ناظرین تک یو نو اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچانی ہوتی ہیں ان بٹوین بریکس بھی لینے پڑتے ہیں خیر ناظرین محترم اخ لوکٹ مختصر وقفے نمو تم پتہ مو واپس پنس مہمانس سے تھو کت بات سلسلہ جاری گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا ایم آر کا کوالٹی ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے ایک سال سے وادی کشمیر میں ایسے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جھالندر میں کام کر رہا ہے اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپل جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں جن کی شادی کو 10-10, 15-15 سال ہو گئے تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں میری شادی کو ہوا تھا 13 سال میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوئے کٹھے اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991
याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेंट के। आज जो मेहमान हमारे साथ है वो है जवाद साल ताहिर मोहिद्दीन साहब, जो एक सेल्स टैक्स ऑफिसर है। तो इकरा, सबसे पहले हम यहाँ पे अखबार की सुर्खियाँ लेंगे। तो मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी ये सुर्खी है, जेके रिकॉर्ड्स 1148 न्यू कोविड केसेस, गवर्नमेंट कन्फर्म्स वेव इज ओमिक्रॉन LET। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और ये उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। ये खबर आप तक पहुंचाते चले। इंतजामिया बेहतर हुक्मरानी के लिए वादा बंद, मनोज सिन्हा। समाज में तरक्याती तफावत दूर करने के लिए अखराजात को आसान बनाया जा रहा है, LG फंड्स पर शर्त में नरमी का इशारा। मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसकी खबर यह है कि जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त, इंस्पेक्टर जनरल। मकामी अंग्रेजी रोजनामे में ये खबर शाया हुई है आज के दिन के हवाले से, जो हमने आगाज में ही इस ताल्लुक से आज किया कि आज कौमी सतह पर नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है, तो उसके ताल्लुक से खबर शाया हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिमेंबर स्वामी विवेकानंदा से, जम्मू एंड कश्मीर हैज ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ यूथ। मेरे पास एक और रोजनामा है जिसकी खबर यह है कि बर्फ पर खेल का मुजाहरा करने के लिए खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर की सहूलियत, एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने पर पुरानी रेत हेली स्कीइंग बहाल हो गई, डायरेक्टर GN इट्टू। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये अहम खबर सुनिएगा। LG सिन्हा के जेर सरपरस्ती इंतजाम काउंसिल को तौसी का इम्कान, स्टाफ वेसल और साबिक पुलिस सरबरा SP वेद के नामों पर नई दिल्ली में सरगर्म मुशावरत जारी। जी स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना, स्किम्स सौरा में डॉक्टरों की सरमाई तैतीलात मनसूख, GMC श्रीनगर में MBBS सर्विस और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ऑफलाइन क्लासेस मुअत्तल, कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा कानून के इम्तिहान भी मुलतवी। इसी रोजनामे से और एक खबर है कि कोरोना वायरस में तेजी के साथ इजाफा, JK बैंक की दो शाखें बंद, मेडिकल तलबा के टेस्ट मजबत आने के बाद कॉलेज मुअत्तल। जी, ये आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है मकामी अंग्रेजी रोजनामा और मौसम के हवाले से ये खबर शाये हुई है, जो दिन ब दिन हमें सर्दी में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, सर्दी में इजाफा ही हम महसूस कर रहे हैं। इस ताल्लुक से खबर शाये हुई है, कश्मीर कंटिन्यूज टू रील अंडर कोल्ड वेव, द्रास टच -24.2। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा बचा हुआ अंग्रेजी, JK गवर्नमेंट कमेमोरेट महाराजा हरि सिंह पार्थे विद फैन। जी दोस्तों के कमेंट्स शामिल करते हैं प्रोग्राम में, बिल्कुल, जो हमें इस बारे में लिख रहे हैं, हमें अपनी आरा तजावीज दे रहे हैं, मैं उनका नाम लूंगी। यह है समीर अहमद, खूबसूरत अशफाक लोन, हामिद रसूल, अनाया जान, शहीना सरवर, मंजूर कुरैशी, अहमद सुहेब, मोहम्मद अरहान, मीर नजीर, अब्दुल रशीद, अली मोहम्मद लोन, शाहिद सादिक, उमर नबी, एजाज स्टार, गुलाम हसन, इत्तू पीर, इसाक लोन जुबैर, मोहम्मद इब्राहिम शाह, हामिद रसूल, सलीम टार, जरका रफीक, नुमान आशिक, उमर नबी और भी बहुत सारे दोस्त हैं। बिल्कुल हर एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता, और हम कोशिश करेंगे, जो कि फिलहाल अभी 8:35 ही है और हम आगे कोशिश करेंगे, 9 बजे तक तो ये प्रोग्राम चलता है, कोशिश करेंगे कि इन तमाम दोस्तों के नाम हम इन बिटवीन प्रोग्राम में शामिल जरूर करें। और नाज़रीन मोहतरम, आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में जवाद साल मेहमान तशरीफ फरमा है, यंग डायनामिक टैलेंटेड ऑफिसर, स्टेट टैक्स ऑफिसर है ये एनफोर्समेंट सेंट्रल कश्मीर में, ताहिर मोहिद्दीन वानी। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कबल ब्रेक से कबल और अखबारात की सुर्खियों से कबल हम केस के हवाले से ही बात कर रहे थे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, बिलखसूस जो हमारे नौजवान हैं, एस्पायरेंट्स हैं, किस तरह से तैयारी करें। इसी सिलसिले में आपका एक इनिशिएटिव चलता है नुनचा इनिशिएटिव के नाम से, क्या ही इनिशिएटिव थे जरा हमें बाखबर करें। इकरा जी, लास्ट ईयर की बात है, इन्हीं दोनों की बात है, लास्ट ईयर मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था, बिकॉज जितने भी हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली एस्पिरेंट्स मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं। तो मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि जितने भी लोग हैं जो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल, और हम किसी जगह पर बैठते हैं और बात करते हैं। और वैसे ही मैंने नून चाय इनिशिएटिव उसका नाम दे दिया। अच्छा, तो उस वक्त जहन में नहीं था कि ये इस लेवल पर जाएगा, और जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज सरप्राइज कि पहला जो हमने किया था उस वक्त मेरा एक स्टूडेंट है तनवीर साहब, उन्होंने मुझे अपने उनका एक प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने वहाँ पे मुझे स्पेस प्रोवाइड की थी उस दिन वो इंटरेक्शन करने के लिए।
तो वहाँ पे लोग आए, एस्पिरेंट्स आए और मैंने उनके साथ बातचीत की जी। तो तब मुझे लगा कि इसमें जितने एस्पिरेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं। और फिर मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ गए, मेरी टीम कुछ और केस ऑफिसर्स हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ गए। और फिर हमने लास्ट ईयर 4 सेशंस किए थे। अच्छा। साउथ में किया था, श्रीनगर में किया था और सुपौर में किया था। श्रीनगर में 2 हमने किए जी। और फिर उसके बाद काफ़ी अरसा गुजरा मुझे, क्योंकि फिर कोविड का मसला हुआ, बाकी चीज़ें, हम खुद अपने काम में बिजी हो गए। कुछ टाइम पहले की बात है कि कुछ एस्पिरेंट्स मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि सर हमने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, ये सेशन अटेंड किया था और हमें उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। अच्छा। कुछ लोगों ने उनमें से JKS का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कुछ ने SSB के एग्ज़ाम पास किए और कुछ लोगों ने UPSC की तैयारी शुरू की है। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला कि अब इसको थोड़ा बड़ी लेवल पे ले लिया जाए और एक बाकायदा, एक परमानेंट इसका नेचर बना दिया जाए। और आई वॉज हैप्पी कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त JNK में ही पोस्टेड हैं, वो UPSC क्वालिफायर्स हैं, IAS एलाइड सर्विसेज से। एक तो हमारे शकील साहब हैं, शकील नेतू साहब हैं, वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट नॉर्थ कश्मीर देख रहे हैं। और हमारे साकिब साहब हैं, साकिब साहब इस वक्त चीफ ऑफ रेलवेज कश्मीर डिवीजन। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम भी जुड़ना चाहेंगे। और वो भी काफ़ी यंग हैं और छोटी उम्र में उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। तो और क्योंकि अब JKS का और IAS का सिलेबस सेम हो गया है, तो मुझे लगा कि उनकी शमूलियत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है एस्पिरेंट्स को। तो उसके बाद हमने बाकायदा इसको टीम वर्क करके हमने इसको एग्जीक्यूट किया। हमने लास्ट लास्ट संडे हमने कुपवारा में किया था। अच्छा। जिसमें अराउंड 200 बच्चों ने शमूलियत की। ओके। और मैंने एक चीज़, इकरा जी मैं आपको बताते चलूँ कि एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे स्कोप बहुत है। आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया पीपल, एवरीवन, सब लोग आपके सपोर्ट में हैं यहाँ पे जी। और वो जब मैंने किया था, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर पर DC कुफारा, वो खुद आए, उन्होंने भी ज्वाइन किया सेशन, उन्होंने भी बच्चों को अपनी वर्ड्स ऑफ विजडम दिए। तो मुझे वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए, छोटा सा प्रोग्राम करना होता है तो अगर मैं फाइनेंसिस की ही बात करूँ तो खर्चा तो आता ही है, लेकिन मैंने देखा कि पीपल आर देयर कि जो अपनी जेब से खर्च करने के लिए तैयार हैं एक अच्छे नोबल कॉज के लिए। उसके बाद हमने अमर सिंह कॉलेज में किया। और अभी जो ये कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से हमने अब इसको ऑनलाइन मोड के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम इसको करें। और हमारे इसके 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 होता है जिसमें हम इनको बुलाते हैं और जिसमें कोई भी एस्पिरेंट आ सकता है। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका शायद एम्बिशन नहीं है फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन वो आकर एटलीस्ट एक बार देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस एग्जाम में होता क्या है। और उसमें सेकेंड लेवल फिर वो होती है, उसी सेशन में हम इंक्वायरी फॉर्म्स उनको देते हैं और उनकी डिटेल्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनको कॉल करके बुलाते हैं और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। और डिफरेंट एस्पिरेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, किसी का कॉम्प्रहेंशन सही नहीं है, किसी का CSAT में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या किसी का उसने 1-2 बार मेंस लिखा है नहीं हो पा रहा है, तो वो जानना चाहता है कि उसकी मेंस में कहाँ पे कमी पेशी रह रही है। तो वो इस तरह की जो कंसर्न्स हैं, हम 1-to-1 लेना चाहते हैं। और फिर थर्ड स्टेज है जहाँ पर हम इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हम उनकी क्लोज मेंटोरशिप देना चाहते हैं, कॉम्पोनेंट वाइज उनको मेंटोरशिप देना चाहते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं इनके। तो हम इस जो हमारे सेशंस हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच कि हम ये भी बताते हैं कि सिविल सर्विस एज ए करियर ऑप्शन क्यों बेटर है। अच्छा। और IAS, अगर आप IAS को ऑफिसर हैं तो वहाँ पे क्या एंटाइटलमेंट्स आपको हैं, और अगर आप KS ऑफिसर हैं तो यहाँ पे क्या एंटाइटलमेंट्स और कितना फ़र्क है। और दूसरा ये कि हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है, बेसिक चीज़ है कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है। अच्छा, सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। और CSAT अगर है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि CSAT मैथमेटिक्स के बारे में है, ऐसा नहीं है, बेसिक एप्टीट्यूड के बारे में है, तो उसको अप्रोच कैसे करना है। और फिर हम ऐसे इसमें बात करते हैं, सिलेबस कंपोनेंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट हम अपने सेशंस में कुछ टॉपिक्स पढ़ा भी देते हैं। अच्छा। लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करके, सो दैट जो एस्पिरेंट है हमारा उसको ये समझ आए कि इसका लेवल क्या है। ओके। और क्या वो इस लेवल को जो है अंडरस्टैंड कर पाता है, और क्या वो अपने आप को इस लाइक समझता है। और साथ ही हम उनको मटेरियल के बारे में बताते हैं
मैं आपको इकरा जी इसमें ये भी बताऊं कि आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल खोलिए, आपके पास इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज़ वाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो शायद ये भी सोचते होंगे कि इतना अवेलेबल है तो हमें अलग से सेशन अटेंड करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताऊँ कि आई पर्सनली आई कंसिडर इट ये नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एवरी वन शुड नॉट बी अलाउड टू टीच, एवरी वन शुड नॉट बी अलाउड टू गाइड, क्योंकि फिर उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। अच्छा। तो हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो गए, इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन हो गया, तो हम वो फिल्टर करके बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश अच्छा, और उन अच्छा लोगों से इस्तेमाल की इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन हर एक जगह से जो इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, बच्चा भी सोच में पड़ जाता है कि क्या करें, कहाँ से ले, यहाँ से हासिल करें, यहाँ से जी। तो मैं बताऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हमारा इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, बच्चा वो टाइप करके गूगल में यूपी वहाँ पे सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं और वो लोग भी उसके ऊपर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं जिनको खुद उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो बच्चा जब तक उस वीडियो लेक्चर तक पहुंचे जो सबसे बेस्ट है तब तक उसका काफी वक्त जाया हो गया था। तो और मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, खदशा हो सकता है इस चीज का, इसलिए वो टीम जिन लोगों ने ये क्वालिफाई एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिन्होंने इस प्रोसेस से जो गुजरे हैं, अगर वो बच्चों को गाइडेंस देंगे आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, चूंकि इकरा से नाजरीन ची असान जो सन मेहमान तम कर पे कह सवाल कशिर पे वुशान अक्सर यम वज यू जी या पी जी एग्जाम दिवान तम वज क्या गसान अतान मरहल वार एग्जाम, मगर यम वज यू पी एस सी या कुन जॉब ओरेंटेड एग्जाम खतर तम वज क्या गा सर्स एक साथ एग्जाम दिन सेल्फ डेडिकेटेड टाइम अत मन सेल्फ मोटिवेश डिमोटिवेशन गसान या वुशान बच्चु स्ट्रेस मे कोप यह सवाल मारूफा जी यह सवाल था तम पी जाए महफूज तिकन जाना नाजरन ताना कि यह प्रोग्राम पत या प्रोग्राम जन नशर ग डी डी कशिर कम प्लेटफॉर्म के जरिए तथा मज प्रोग्राम सो तो नोवी बाद से बात निकली अमी प्रोग्राम के हवाल वो तुम अख मुख्तसर प्रोमो तो सवाल जन वस महफूज पे जाए तो तमक जवाब दिन सान मेहमान अपने गिर्द पेश में आप अपनी इज्जत का लिहाज रखते हैं। मैं पेड़ हूँ, शाखों पे मेरे बरगो समर है, कभी जिंदगी में मायूस नहीं रहा लेकिन हालात की वजह से नाखुश हूँ, मायूस नहीं हूँ, शायद लगा कि लड़के में कुछ है करने को, शौक कहिए शगल कहिए कि अगर हम न पढ़ते न लिखते तो क्या करते। शादी हो गई और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगयो नाजनीन चाले, शायरी है ही ऐसी चीज जब तक अंदर से कोई चीज आपको कहलवाना थे आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं खुदा के फजल करम से सारे सबों की शादियां हो चुकी है। ये बोलता है फकीरी, अरे बाबा इसका सब उल्टा हो गया, ये मैंने बोला है फकीरी, काब वो मेहराब चुमई फकीरी। उसी जमाना जब देखता हूं तो बहुत सी यादें वाबस्त हैं, कुछ मीठी कुछ तलख। बात से बात, देखिए ये प्रोग्राम हर सोमवार और जुमेरात को रात 9 बजे डीडी कश्यप पर। वेलकम बैक नाजरीन, तुम वोचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, तो अजकिस प्रोग्राम मे मेहमान अम ताहिर मोहिद्दीन वानी सब से स्टेट टैक्स ऑफिसर एनफोर्समेंट सेंट्रल कश्मीर से। तो प्रोमो ब्रो पुछो मे ते सवाल तमु जवाब जिस तुम पुछो कि इस एकेडमिक एग्जाम तथा पुन लेवल आत डिफरेंट स्टेज ये एग्जाम अत कह इंसान बिकॉज ये तुम प्रिलिम्स क्वालिफाई करा मेन्स क्वालिफाई करा अगर तुम इंटरव्यूस में ड्रॉप गो तो पे बे स्टार्ट कर प्रिलिम्स मेन्स एंड यू डोंट गेट एनी अवार्ड अगेंस्ट दैट। तो यह मोटिवेशन मतलब अगर तुम
یہ ایگزام پاس کرتھ تھی ڈفرنٹ پوزیشن امپارٹنٹ پوزیشن پہ یوان مثال کے طور پر اگر تھی ایٹ دا ایج آف 22 کرو یہ ایگزام کوالیفائی آئی ایس ایگزام کوالیفائی یو ویل بی ڈپٹی کمشنر کچا بڑ ذمہ داری کی ون تو کیا یہ ملیا آسانی سان اس لیے یہ ڈفکلٹ امی خطر آمد بنانے کیاز کہ یہ پوزیشنس پہ یمن اسائنمنٹن پہ اس کام کریں پہ تم ان اٹ سیلف واریا چیلنج اس لیے یہ ایگزام آمت ڈفکلٹ بنانے وہ سٹریس لیول کت کم کر ات واریا طریقہ مطلب میون طریقہ یہ کہ پن اند پت یہ فرینڈ سرکل آس سہ گھر لائک مائنڈڈ مثال کے طور پر یلس تھی وچو پان تلس ایک پٹیکولر ماحولس مجھے کھانا چیز کر اگر تک لائک مائنڈڈ لک آن سہ چیز زیادہ پاسبلی گھان باقی تہ فرینڈس آخر تیاری آر اگر تھی تمہن ست بہو تم ست کر تیاری تم سا پازیٹو انوائرمنٹ ڈیولپ دم چیز یہ کہ ات مز گھس پراپر پنی سیلف اسسمنٹ گھس تھا مثال کے طور پر یہ واریا بچ تم پاران تم پی آسان کہ میں پور بہسا ایگزام اورینٹڈ پاران یہ ایا میں پگہ بکار کن نہ ات مز گھس آن مثال کے طور پر اس واریا ٹیسٹ سیریز کرنا ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ سہ گھس کر اٹینڈ سہ گھس جوائن کر تم ٹیسٹ سیریز سر نانا کہ بہسا ٹھیک پاران کہ بہت غلط پاران گو زیز تریم چیز پن اخ کیلنڈر تھا ٹارگیٹ اخ تھا ڈیلی بیسز کہ آج یوتا پار یہ گھس بہ پار کم تھین زیادہ مہ تھین کہ کم تھین مگر کھانا تہ گھس نا مس گھن کہین تم سی روزان اخ موٹیویشن کہ نہ بہت پاران میں مکلو یوتا پڑھ وہ یوتا پار تم سک اخ سائنٹفک اپروچ ٹوڈ سٹریس مینجمنٹ زو ترے چیز تر لاسٹ فائنل چیز گھس یہ سوچن ذہنس من کہ بہت بڑس ایگزامس خطر تیاری کر اگر ات مز فیلئر یہ تھی فیلئر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ واریا لکھ یمو پانچ پانچ شے اٹمپٹ دان تم ہار کر ہار مانن کہین تم گوڈنک اٹمپٹ فیلئر سیکنڈ اٹمپٹ فیلئر بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تم کوالیفائی کر کوالیفائی کرت جو زندگی خوبصورت بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں تاج صاحب جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنی اعلیٰ تجویز سے ہمیں نواز رہتے ہیں تو کئی سارے دوستوں نے کمنٹ کیا ہے آپ کو جانتے بھی ہیں آپ کو دیکھا ہوا ہے کام کرتے یہ بھی کہا ہے کہ ایفیشینٹ آفیسر آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں ٹیلنٹڈ آفیسر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ اس طرح سے کمنٹ کرنے کے لیے اور بشیر ڈار صاحب ہمیں کمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن جب بھی کمنٹ کرتے ہیں افسوس کے ساتھ ہی کمنٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں سارے کمنٹس پروگرام میں شامل ہی نہیں کر پاتے آپ کا کہنا بالکل بجا ہے لیکن ہم کیا کریں آپ تو خود جانتے ہیں کہ پروگرام میں کس طرح کا وقت رہتا ہے اور اس میں مہمان کے ساتھ باتیں کرنا اخبارات کی سرخیاں پہنچانا اور ان بٹوین یہ سارے کمنٹس بھی انکلوڈ کرنا دوستوں کے نام شامل کرنا یہ تھوڑا سا ہیکٹک رہتا ہے لیکن پھر بھی ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نام ہم پروگرام میں شامل کریں طاہر صاحب اسٹیٹ ٹیکس آفیسر ہیں آپ انفورسمنٹ سینٹرل کشمیر یہ اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے اس عہدے کے حوالے سے جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی کہ آج اس تعلق سے مختصر ہی بات ہوگی مختصراً ہی بات ہوگی اس تعلق سے زیادہ بات نہیں کریں گے ہم آج تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کریں گے جو آپ کا انیشیٹو ہے انیشیٹو کے نام سے تاکہ جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ اس سے ملے لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی اور آئیں گے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں اور دے اور یہ جو آپ ذمہ داری پر عائد ہے کس طرح کی ہے دیکھیں جنرلی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں مجھے بھی بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی میں ان کو کنفیوژن رہتا ہے انکم ٹیکس ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا جی ایس ٹی ایک الگ ونگ ہے ہم جی ایس ٹی جو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی ڈفرینٹ ونگس ہیں فار ایگزامپل اس میں ہمارے سرکلز رہتے ہیں جہاں پہ رجسٹریشن جو لوگ جیسے بزنس یونٹ نیا کھول رہے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا وہ جو اپنا ٹیکس بھر رہے ہیں جو میرا ونگ ہے انفورسمنٹ اس میں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موومنٹ آف گڈس ہو رہی ہے جو لوگ مال کی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی موومنٹ کر رہے ہیں اس دوران جو ٹیکس ایویژن کے چانسز ہیں اس چیز کو میں دیکھتا ہوں تو جنرلی اگر میں تھوڑا ٹیکنیکلی بولوں آپ کو تو سیکشن 129, 130, 122 یہ آف دا جی ایس ٹی ایکٹ 2017 یہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پہلے یہ ویٹ ہوتا تھا اور اب یہ جی ایس ٹی ہے تو زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہے تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں سرکار کو ریونیو آئے اور اس ریونیو سے ویلفیئر اسکیمس چلے بالکل جی وعلیکم جی سر میں آپ سے آپ کی ہابی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ تم کیا ہابی چھے جی ہابیز دو تین ہیں میں کیلیگرافی تھوڑی سی کرتا ہوں کیونکہ میں جی اردو کی طرف بینڈ ہے اور کیلیگرافی اور ساتھ ساتھ ہی میرا میں تھوڑی سی فوٹوگرافی بھی کر اس کا بھی شوق رکھتا ہوں زیادہ تر پوئٹری اردو میں
अच्छा आप लिखते भी हैं? जी जी जी। तो फिर तो कुछ सुनाना पड़ेगा। मुमकिन है कि आप कुछ अपने इस पोइट्री में से कुछ हमें सुनाएं? मुझे याद एक बार लिखा था मैंने लास्ट टाइम, थोड़ा सा लिखा था फेसबुक पे, शेयर भी किया था कि आजाद कलम में कैद साए देखे हैं, मैंने अपने ही घर में नए आईने देखे हैं। अरे वाह। वैसे तो मैं भूलता नहीं हूँ अपने घर का रास्ता, पर कुछ दिनों से मैंने नक्शे में हमसाए देखे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी तकलीफ में है ये मुस्कुराते चेहरे, जो आजकल फेसबुक की दुनिया है, सब लोग दिखा रहे हैं कि खुश हैं। कितनी तकलीफ में है ये मुस्कुराते चेहरे, कितनी सहरा, कितनी आंखों ने सहरा के समंदर देखे। बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ लिखा था वो। बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद है, उसके साथ साथ ये जो आपके शौक है, चाहे कैलीग्राफी है या चाहे पोइट्री है, उसको भी आप आगे ले रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो देखें, हमारे यहाँ जो नौजवान है जी, अक्सर ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इनको लगता है कि हम उस फील्ड के लायक नहीं जिस फील्ड का हमने पहले तो सोचा था, इंतखाब तो किया था, लेकिन अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। तो इस तरह के कई सारे ऐसे नौजवान हैं, हमने ये भी देखा, वो अपने टैलेंट को चैनलाइज करते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं, बच्चे ऐसे भी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी घर के अंदर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इसका इंतजार करें कि कब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो, नौकरियां गवर्नमेंट की तरफ से आए, तब हम अप्लाई करें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सब, ये मैं इस वक्त जो कुछ भी कहूँगा ये बस कहने की बात होगी, जो जो लोग एक्चुअली में फील कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है इंजीनियरिंग करके या कोई भी, बिल्कुल कोई भी कोर्स करके घर में बैठा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या अप्लाई भी करता है नहीं क्वालिफाई हो पाता है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है। एक उम्र का तकाजा है और दूसरा हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं वो है, और साथ साथ ही हमारी जो सोशल आइडेंटिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी ऑब्वियसली हमारी प्रोफेशन से ही जो है होती है। उस वजह से जो उस बच्चे के ऊपर जो प्रेशर है, उसके बारे में मैं कितनी भी अच्छी बातें करूं, लेकिन वो प्रेशर सिर्फ वही समझ सकता है। लेकिन अब एक चीज़ है जिंदगी में, या तो हार के बैठ जाना या तो कुछ करना। मेरा भी जब पहली बार नहीं हुआ और मेरे पास कोई अच्छी डिग्री नहीं थी, बीबीए कोई उतनी अच्छी डिग्री नहीं होती है, तो और दूसरी ये बात है कि फिर मैंने जब पहली बार अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप हुआ था। मैं चाहूँगा जो हमारे बच्चे हैं फंडामेंटली अवेयर हो जाएं, पहली चीज़ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अवेयर हो जाएं। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एग्जाम्स, यानी यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स करती है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीए के एग्जाम होते हैं, तो वो एग्जाम्स एटलीस्ट अगर खुद पे कितना भी डाउट है आपको, लेकिन एक बार आप बैठिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, आप बैठेंगे एग्जाम देंगे तो एक्सपोजर ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, जितना भी ये डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो भी आपको एलिमेंट्स लगते हैं कि आपको डिप्रेस कर रहे हैं, उनसे दूर रहिएगा। फिर चाहे कि इट विल बी वेरी हार्श टू से, फिर चाहे कि वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, उनसे उस चीज़ उस एलिमेंट से दूर रहिए। और कोई भी प्रोफेशन आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बैंड वेगन शुरू हो जाता है कि उसने एमबीबीएस सीट निकाली तो आपको भी निकालनी है, तो प्लीज़ इस ट्रैप में नहीं गिरिए। हर एक शोबे में अपॉर्चुनिटी है और स्कोप है काफ़ी अच्छा करने का। और अपने मैं पेरेंट्स से खासतौर पर गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को प्लीज़ इस तरह का प्रेशराइज नहीं करें और उनको सपोर्ट करें। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल भी लग जाए, प्लीज उनके ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप करेगा। ऐसा ना हो कि ये बच्चे ड्रग्स का शिकार हो, ऐसा ना हो कि ये बच्चे सुसाइड्स करने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ रुपये 10,000 20,000 50,000 सैलरी लेने का मसला नहीं है, ये उनकी कंप्लीट आइडेंटिटी के बारे में है। आप उनसे सिर्फ एक बार कहते हैं कि सेतोगिनी किहिन कारण, दिस इज डायरेक्ट अटैक ऑन देयर आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस, प्लीज डोंट डू दैट, इट्स लाइक हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स। और बच्चों से ये कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी हिम्मत ना हारिए, हम लोग हैं, अच्छे लोगों से मिलिए जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग कुछ कर जाते हैं और इस चेहरे के पीछे कहानी नहीं है, हर चेहरे के पीछे कहानी है, प्लीज उस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल आपके जहन में? जी सर, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, आपके मेंटरशिप में क्या फ़र्क है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमारी मेंटरशिप में ये फ़र्क है कि हम वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करते हैं जी। और उसमें अप्रोच क्या है,
बहुत टेक्निकल होगा मे बी, शायद आप इस चीज़ से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपका फील्ड डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है वो लगता तो ज्योग्राफी के रिलेटेड है लेकिन वो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल पूछा ऐसे जाता है, ठीक है, तो बच्चा उसमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखता है जिसकी वजह से उसका स्कोर कम आता है। अब वो बच्चा खुद में कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने सब कुछ तो लिखा था, फिर मार्क्स क्यों कम आए। तो वो जो अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम एक तो मैंने कहा तीन लेवल्स पे, ये सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे आए हमने बात की और वो घर चले गए, ऐसा नहीं है, सेकंड लेवल है और फिर थर्ड लेवल, और हमारी तरफ से काफी इंटरेस्ट है कि बच्चों को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। और दूसरा ये कि हम साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं एक एक चीज को, आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंपोनेंट सिलेक्शन, ऑप्शनल सिलेक्शन, सब चीज के बारे में बात तो इस ताल्लुक से बात होती है। खैर, इस सवाल से कबल ही हमने ये सोचा था कि हम आपसे मैसेज की दरखास्त करेंगे, लेकिन आपने तो उससे कबल ही मैसेज हमारे नाजरिन तक पहुंचाई, नौजवानों तक पहुंचाई, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े। एस्पिरेंट्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि मेरा ताहिर वानी के नाम से फेसबुक हैंडल है, तो जितने भी कंसर्न है वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं और फिर वहाँ से फर्दर डायरेक्शन मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। और नाजरीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इस तरह से आप कमेंट से आप हमें नवाजते रहते हैं, इसी तरह से रोज नवाज दिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएनके।